हेलो यूट्यूब, आज हम एक सीरीज प्रिंट करना देखेंगे जिसमें हम नंबर देखेंगे 0, 7, 26, फिर हो 63। इस तरह का एक सीरीज प्रिंट करेंगे। ये एक्चुअली क्या है उसको हम समझ लेते हैं पहले। तो पहले हम 0 का देखते हैं। 0, ये आप देख सकते हैं, ये 0 का सॉल्व है। 1 × 1 × 1 − 1, यानी 1 का क्यूब अगर निकालते हैं तो वो 1 ही होगा, और उसमें माइनस 1 कर देते हैं तो वो 0 हो जाएगा। सेम 2 × 2 × 2 = 8 हो जाएगा, और उसमें से हम अगर माइनस 1 करते हैं, 2 का क्यूब है और उसमें से माइनस 1 करते हैं, 7 हो जाएगा। सेम 3 × 3 × 3 = 27 है, उसमें से माइनस 1 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 26। फिर 64 देखते हैं, 4 × 4 × 4 = 64 है, उसमें से माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 63। एंथ टर्म तक हम जैसे ही नंबर अगर एक लूप चलाएंगे 1 to nth टर्म, जब नंबर हम यूजर इनपुट करेगा टर्म कितना चाहिए, 5 टर्म या 6 टर्म, जो नंबर चलेगा उसका जस्ट क्यूब निकाल के माइनस 1 करना है। अब प्रोग्रामिंग में आते हैं, तो सबसे पहले तो जितना टर्म होगा उसको हम प्रिंट करेंगे। तो हम नाम एक वेरिएबल देते हैं, इसमें हम इंटीजर टाइप देते हैं ताकि जो कैलकुलेशन होगा, इनपुट इंटर सीरीज का टर्म हम इनपुट करने के लिए यूजर को मैसेज दे दिया, सिंपल है। फिर एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज। ये रेंज चूंकि 1 से हम नम, अगर हम नम देते हैं यानी रेंज फंक्शन चूंकि यूज कर रहे हैं पाइथन में, तो रेंज फंक्शन जो हम लास्ट देते हैं नम, यानी नम माइनस 1 तक जाएगा। और हमें क्या चाहिए, एंथ टर्म हम चूंकि 0 से स्टार्टिंग 1 से स्टार्टिंग की है, यानी यहाँ पे हमें प्लस 1 लगाना होगा, एंथ टर्म तक जाना है। सिंपल, अब क्या करना है, प्रिंट लगा के सिंपल हम ये क्या करेंगे, i into i, तीन बार इंटू करना है, यानी क्यूब निकलेगा और माइनस 1 कर देना है। सिंपल लॉजिक है। अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। nth टर्म हम 5 देते हैं, 5 टर्म, तो यहाँ देख सकते हैं 0 है, 7 है, 26 है, 63 है और 124 है। इसके आगे अगर टर्म देंगे तो सिंपल हो जाए, वो क्यूब जितना आगे तक जाएगा। इसका हम एक यहाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कॉमा देके हम एंड विथ कर देते हैं स्पेस, ताकि सिंपल एक लाइन में ही प्रिंट हो। अब हम टर्म देते हैं 5, तो देख सकते हैं एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल हम यहाँ पे एक वेरिएबल दे देते हैं, ए इक्वल टू कर देते हैं i into i − 1, और यहाँ प्रिंट के जगह पे सिंपली हम ए को प्रिंट करते हैं। आप जैसे भी इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करना है, लॉजिक क्लियर रहना चाहिए, सिंपल। अब इसको हम प्रिंट करेंगे 5, देख सकते हैं सिंपल मेरा पूरा 5 टर्म, इसको हम अगर 8 टर्म 9 टर्म जो भी हो इसको प्रिंट कर सकते हैं। हम देते हैं 9, तो देख सकते हैं 9 टर्म तक पूरा प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह हम आसानी से कुछ सीरीज का जो प्रोग्राम है, जस्ट लॉजिक जो सीरीज का प्रोग्राम होता है उसका जस्ट लॉजिक क्लियर होना चाहिए, हम आसानी से उसको प्रिंट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।